स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल लफीश चलकर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AZ 200 सिरप के बारे में, जो कि दोस्तों इसका उपयोग बच्चों में काफी यूजफुल मेडिसिन होती है, और काफी पॉपुलर मेडिसिन होती है, जो कि बच्चों में कई प्रॉब्लम होती है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, हम लोग की तरह मैच्योर नहीं होते कि वो हमें बता सके, अपने पेरेंट्स को बता सके कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब से हमें डिजीज के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन चलाई जाए। तो ये वीडियो दोस्तों आपको काफी इफेक्टिव और हेल्पफुल होने वाली है, जो कि दोस्तों इसका उपयोग जो AZ 200 सिरप का उपयोग बच्चों में खासकर किया जाता है, तो इसका उपयोग कौन सी बीमारी में बच्चों में किया जाता है और बच्चों की कौन सी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है, इसका सही डोज क्या होता है, सही उपयोग क्या होता है और लेने का सही तरीका क्या होता है, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों जो AZ 200 होता है, ये एक ड्राई सिरप होती है, जो कि दोस्तों ये पाउडर के फॉर्म में आती है और दोस्तों इसके साथ एक डिस्टिल वाटर यानी कि 10 ml की डिस्टिल वाटर दी जाती है, जो एक साथ मिक्स करके एक सस्पेंशन बनाया जाता है। अब दोस्तों AZ 200 के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है, जो कि 200 mg में पाई जाती है। हर 5 ml में दोस्तों 200 mg एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक होती है, जिसका उपयोग दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि अगर बॉडी में बच्चों के बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करें इसके यूजेस के बारे में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो बच्चों में दोस्तों जैसे कि सोर थ्रोट होता है, यानी कि गले में दर्द होता है बच्चों में, और दोस्तों बच्चे सेंसिटिव होते बता नहीं पाते, तो उस कंडीशन में दिया जाता है गले के दर्द को ठीक करने के लिए। जैसे बच्चों में निमोनिया हो गया दोस्तों, फेफड़ों से संबंधित बीमारी एक निमोनिया होता है, जिससे फेफड़ों में क्या होता है, पस जमा होने लगते, पानी बैठने लगते बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से, तो निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर बच्चों में निमोनिया हो जाता है या ब्रोंकाइटिस होती है दोस्तों, यानी कि जो हमारे ब्रोंकियोस ट्यूब होते हैं, जो हमारे लंग्स से जुड़े होते हैं दोस्तों, जो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बच्चों में, तो बच्चे रोते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों टॉन्सिलाइटिस में भी किया जाता है, यानी कि टॉन्सिल हमारे माउथ के अंदर कैविटी के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं इस साइड, जो कि हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया के आक्रमण को रोकने के लिए। तो जब दोस्तों बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है हमारे टॉन्सिल्स में, तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करने लगते हैं, और तो उसी के कारण हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, जिससे माउथ में हमें काफी पेन होता, दर्द होता बच्चों में, तो उस कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। फेरिंजाइटिस में भी किया जाता है, फेरिंजाइटिस दोस्तों एक माउथ कैविटी या नेजल कैविटी को मिला के जो हमारे श्वास नली से अंदर सांस जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया के आक्रमण की वजह से, तो वहां इस एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट सिरप का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और दोस्तों साइनसाइटिस में भी किया जाता है, यानी कि बच्चों के अगर नेजल जो ये नेजल है, अगर जुकाम होता है, सर्दी होती रहती है बार बार बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से, और नाक में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और दोस्तों नाक में म्यूकस भर जाते हैं, सांस नहीं ले पाते बच्चों में, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो सस्पेंशन सिरप होता है, उसका उपयोग किया जाता है बच्चों में, ये इसके दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आपके बच्चों में स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बच्चों के आंत में या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो वहां भी एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है बच्चों में। काफी इफेक्टिव और पॉपुलर और हेल्पफुल मेडिसिन होती है दोस्तों, ये इसके उपयोग होते हैं। सो गाइज, अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें, इसका लेने का सही तरीका क्या होता है, तो बच्चों में दोस्तों इसका जो डोज होता है 10 mg पर kg दिया जाता है। तो मैंने बताया था दोस्तों हर 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है, तो जैसे कि अगर आपको 100 mg लेना है, तो 100 mg में क्या होता है, 2.5 ml अगर लेंगे तो उसमें 100 mg मिलेगी आपको। तो जैसे आपके बच्चे का वेट 10 kg है, तो 10 mg के हर kg में 10 mg देना है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 10 × 10 करेंगे तो 100 mg हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे 100 mg, तो 100 mg यानी कि आपके 10 kg का अगर आपका बच्चा है, तो उसको 100 mg देंगे, तो 100 mg के अकॉर्डिंग 2.5 ml देंगे, यानी कि 2.5 ml में 100 mg एजिथ्रोमाइसिन आपको मिल जाएगी, तो आपको 2.5 ml देना है। याद रहे दोस्तों, इसका लेने का जो सही तरीका होता, खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद बच्चे में दे सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं।
दिन में दोस्तों एक बार देना है, कम से कम दोस्तों इसका डोज होता 3 से 5 दिन तक आप दे सकते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ओके दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों अगर 6 मंथ से एबव बच्चा है तो उन्हीं में करना, अगर 6 मंथ से बिलो है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का उपयोग करने दे। ओके दोस्तों, ये इसके डोज रहे। ओके दोस्तों, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो बच्चे में डायरिया हो सकती है, बच्चे में दर्द हो सकता है सर में, बच्चे को नींद आ सकती है यानी कि चक्कर भी आ सकते हैं, स्टमक यानी कि गैस बन सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है बच्चे के पेट में, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस की AG200 यानी कि एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में। वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।